मेरे जितने सीनियर डॉक्टर्स वगैरह हैं मेरे उसमें लिंक में, तो उन्होंने भी मुझसे बोला कि यार तू जॉब छोड़ दे, जॉब से भी मुझे निकालने की नौबत आ गई थी एक बार। मतलब मेरे को लगा कि अब अपने आप को खत्म ही कर लेना ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विनय यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विनय LLB में। दोस्तों यहां पे आज मैं फिर से एक लाइव इंटरव्यू लेके आया हूं, तो यहां का जो आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं वो कुछ हटके है, कुछ खास है। लोन लेने के बाद भी जबरदस्ती अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, फिर प्रताड़ित किया गया। मेन चीज यार देखो वही है हमेशा की तरह, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जिससे लोग परेशान है, वो है कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल जाना, मैसेज जाना, घर वालों को परेशान करना, और जो भी कॉन्टेक्ट इसमें जितने भी नंबर है, खास करके जो गर्ल्स हैं, जैसे जो भी लड़कियां हैं, जैसे अपने जो भाभी हो गई या घर में माता हो गई या कोई बहन हो गई, जो भी है उनको ज्यादा टारगेट करते हैं लोग। तो यहाँ पे जो सामने भाई दिख रहे हैं, इनको बड़ा बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, और ये कितना परेशान रहे हैं, ये कैसे निकले हैं, आखिर सब क्या हुआ इनके साथ, बहुत जरूरी है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि भाई कुछ लोग कॉन्टेक्स्ट में ऐसे हैं जो इनकी बात नहीं समझ रहे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनको भी समझाएंगे। हमारा मकसद ही यही होता है, हमने हमेशा बोला है कि आप अपना लाइव इंटरव्यू दो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझाना जरूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि भैया हमारी जो ट्रिक थी वो काम कर गई, अच्छी बात, अगर काम नहीं करी तो कॉन्टेक्स्ट को समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई बात नहीं समझ रहा, तो आप लाइव इंटरव्यू दीजिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, हम मुद्दे को उठाएंगे और कॉन्टेक्ट वालों को समझाएंगे भैया एक काम करो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हमारा चैनल उठा के देख लो, किस तरह से लोगों को हमने बचाया है, कैसे लोग फंसे हैं। तो कहीं ना कहीं तो यार थोड़ी बहुत दिमाग में उनके बात घुसेगी, और फिर भी नहीं घुस रही है तो भैया इससे आया तो फिर समझ लो कि एक काम करो, उस कॉन्टेक्ट वाले से बढ़िया तो वो रिकवरी एजेंट है, आप ये समझ लो। ठीक है, तो हम सबको शुरुआत करेंगे, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कौन सी ऐप है जिनसे ये परेशान हुए, सब कुछ ये खुद बताएंगे। तो यहाँ पे बस एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो, पुंगी को भी सब्सक्राइब कर ले, जहां मैं हर रात 10 से 11 के बीच में लाइव आता हूं, और अपना फेक लोन ऐप से संबंधित उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरी है। तो सामने जो हमारे बैठे हैं उनका नाम है अभिनव राय, ठीक है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, वो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, अपना कुछ जॉब वगैरह करते हैं, जो भी ये खुद ही बता देंगे ये क्यों रह रहे हैं। तो अब हम इनको मौका दे रहे हैं अपनी पूरी बात रखने का। तो अभिनव जी आप पूरा डिटेल से बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, किन ऐप से प्रॉब्लम हुई, शुरुआत से बताइएगा, ताकि हमारे जितने भी दर्शक उनको पता चले कि भैया आप कैसे फंस गए और कैसे बाहर निकले, ताकि उनको कुछ पता चले। आप बताइए। सर आज से 2-3 महीने पहले मैंने कैश बस और कैश एडवांस नाम के ऐप से कुछ पैसे लोन में लिए थे, जिसको मैंने अपनी सैलरी आने पर पेमेंट भी कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी था पैसे का, इसलिए मुझे लेना पड़ा था। बाद में मैंने पेमेंट करके उसको खत्म कर लिया था। उसके बाद 3 महीने बीतने के बाद कैश एडवांस ऐप ने मेरे अकाउंट में करीब 5,000 के आसपास पेमेंट, 5100 के आसपास पेमेंट डाली, और 13,000 रुपए मुझसे पेमेंट के लिए उन्होंने कहा। मैंने जब उनसे बोला कि मैंने तो कुछ लिया नहीं है, तो गाली गलौज लिखने लगे, मतलब फिर मैसेज करने लगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट पूरा मुझे भेज दिए व्हाट्सएप पे कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट पे कॉल की जाएगी। सेम प्रोसेस कैश बस वालों ने भी शुरू कर दिया। कैश बस के अंदर भी कई सारी ऐप हैं, कैश बस, कोला कैश, ऐसा करके बहुत सारी ऐप हैं। तो ऐसे 2-3 ऐपों ने 2,000, 3,000, 2,500 ऐसे ऐसे अमाउंट डाल दिए। उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, मतलब फिर एक बार मैंने बोला कि मैं नहीं जमा करूंगा, मैंने साफ उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं जमा करूंगा कैश एडवांस वालों, तो उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिख कर व्हाट्सअप किया और बोला कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भेज रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है आप करो। मुझे लगा उन्होंने वो सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरे मतलब मैसेज को मेरे पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, रिलेटिव में, जितने लोग थे सबको भेज दिया। और उसके बाद मेरे नंबर पे कॉल आने लगे फटाफट, भाई क्या हो गया, ये किसका मैसेज आ रहा है तुम्हारे नाम से, ऐसा वैसा। अब घर वालों को तो समझाना आसान था, कि घर वालों को थोड़ा सा कह के समझा लिए, मदर को, फादर को, मम्मी पापा, भैया सब पे, भैया लोग बड़े हैं तो उन्होंने नहीं मैसेज के बारे में मुझे बोला ही नहीं, क्योंकि इतनी गंदी गंदी गाली लिखी थी कि भैया मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते थे मुझसे। उन्होंने केवल हल्का सा बोला कि कोई मैसेज टाइप आया था, बस थोड़ा सा हिंट दिए वो। तो मैंने कहा ठीक है, और यहाँ आया दिल्ली में तो मेरे जितने सीनियर हैं, मैं असल बात मेडिकल लाइन से हूँ,
तो मेरे जितने सीनियर डॉक्टर्स वगैरह हैं मेरे उसमें लिंक में, तो उन्होंने भी मुझसे बोला कि यार अभिनव कैसा कैसा मैसेज आ रहा है, अगर तू किसी उसमें है तो तू जॉब छोड़ दे या फिर तू कंपनी छोड़ दे। जॉब से भी मुझे निकालने की नौबत आ गई थी। मैंने बहुत समझाया समझाया, उसके बाद एक बार आपका वीडियो मतलब ऐसे यूट्यूब पे वही आया तो वहाँ पे मुझे आपकी वीडियो मिली। तो मैंने जब वीडियो देखा तो एक वीडियो में आपने बताया था कि आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट जो है जरूर करिए। तो दिल्ली आने के बाद मैंने दिल्ली द्वारका में साइबर क्राइम में रिपोर्ट कराई। तो कुछ दिन बाद मुझे साइबर क्राइम से भी कॉल बैक आई। उन्होंने मुझसे बोला कि क्या दिक्कत आ गई थी आपको, मैंने सारा बताया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा है कि हमारे पास ऐसे जो है पर डे 150 कंप्लेन आती है फेक लोन वाली, और इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है आउट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है। तो आप ऐसा करो कि अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को वही जो आप बोलते हैं कि मैनेज करने के लिए बोला उन्होंने, और बोले कि अपना नंबर जो है वो कुछ दिन तक आप बंद कर दो, 2-4-6 महीने, और इससे बचने का कोई वो नहीं है। और अब क्या है कि मतलब ऐप तो मेरे फोन में पड़ी हुई है लेकिन उसमें मैं देख रहा हूँ कि अमाउंट बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है, और मैसेज वो अभी भी कितना भेज रहे हैं। हो गया अमाउंट, मतलब कितना लोन लिया था, कितना दिखा रहा है? अभी क्या है, 10,000 के ऊपर दिखा रहा है वो, 10,000 के ऊपर चला गया है, दिया था कितना पांच दिया था? हजार अभी 10,000 के ऊपर है। हाँ, तो होते होते तो वो बढ़ जाएगा। और हाँ, तो कैश एडवांस में भी दो ऐप हैं, एक कोई कैश एडवांस वन और एक टू करके कुछ ऐसा है, हाँ वो दोनों ने दे रखे हैं लोन ऑटोमेटिक, और ये अकाउंट में आ भी जाते हैं। मतलब इनके साथ तो अकाउंट शुरू में अकाउंट नंबर वगैरह देना पड़ता है, तो वो अकाउंट इनके पास होता ही है, अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाते हैं, और उसके बाद वही सिलसिला इनका जारी होता है फिर मांगने वाला। और मांगने का भी तरीका इतना अजीब है कि मतलब मेरे घर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं मुझे भी, मतलब मैं अकेले ही यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, और अब अकेले रहने के बाद इतना सब होने के बाद यहाँ पे मुझे कोई कुछ दिखा नहीं। तो एक बार मतलब मेरे को लगा कि अब अपने काम को खत्म ही कर लेना ठीक है, लेकिन तो वही है कि ये मतलब फैमिली के। हाँ, दिमाग में आपके कब आया कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं? मतलब ऐसा क्या उस समय परेशानी से आप जूझ रहे थे, या थोड़ा सा थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सर उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी तब आई कि जब वो गालियां, मेरे सिस्टर है, एक ही सिस्टर है उसके और मेरे जीजू के सब पे जाने लगी, अच्छा, और मतलब जितने मैरिज हो गई मतलब है? जी जी हाँ जी सर। तो जी जी सर वहां पे मेरे रिलेटिव, अभी मेरी शादी भी है नेक्स्ट मंथ, अच्छा, तो उनके यहाँ भी चले गए, जहाँ मेरा नया रिश्ता, अभी नया नया रिश्ता हुआ है, तो आप समझ सकते हैं सर वहाँ पे कितना वो होता है कि अभी नया रिश्ता तय किया लड़के के बारे में सर। तो वहाँ भी मुझे समझाना पड़ा फोन करके, मेरे परिवार वालों ने समझाया, तो उसके बाद नहीं वो बस एक स्कैम टाइप से उसमें फंस गया है, उसका सब हैक कर लिया गया नंबर वंबर, लेकिन वही है कैसे भी करके माने उन्हें सब लोग, लेकिन वो सब सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया कि मतलब यहाँ मैं अकेले रहता हूँ, यहाँ मुझे मतलब कोई वो नहीं है सपोर्ट। तो एक बार को तो आया कि सर खत्म ही कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ सोच के अब ये सब जो है शादी उदी का बारे में सोच के, फिर आपकी वीडियो वीडियो देखा मैंने, क्योंकि आपकी वीडियो से मुझे सबसे ज्यादा सर सपोर्ट मिला है, सबसे ज्यादा अगर मुझे सपोर्ट मिला। मैं रोज आपके लाइव पे आता हूँ तो आपसे हमेशा पूछता हूँ सर ये लोग कैसे एडवांस कैसे बस वाले कुछ करेंगे तो नहीं, हमेशा मैं पूछता हूँ, मैं इनसे इतना डर गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ। देखिए, यहाँ मैं अभी भी आपसे यही बात कहूंगा, कैश बस और कैश एडवांस अभी भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये लाइव, मैंने लाइव में ही बोला है और जी अभी भी सर लाइव है, समझ लो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं ये तो आपको पता चलेगा, जी सर इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे कि लीगल नोटिस, लीगल एक्शन, कोई FIR करा दें, घर पे आ जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कैश बस और कैश एडवांस, जिसके ऑलरेडी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ अपने बिना NLB चैनल पे। तो जी सर यहाँ पे अगर आपने इसे लोन लिया है तो जी सर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा लोगों का एक क्वेश्चन होता है, क्या ये घर पे आ सकते हैं, क्या ये घर पे आ सकते हैं? कभी भी नहीं आ सकते, और अगर आएंगे ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इनके पास कोई भी ऐसा लीगल, मतलब लीगल कोई प्रोसेस नहीं है जिसके आधार पे ये आ सके। अगर ये रजिस्टर्ड कंपनी से होते तो ये एक बार के लिए आ सकते थे, लेकिन अब ये नहीं आ सकते क्योंकि इनके पास ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है RBI के, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो अभिनव जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखो, अब इनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, सबसे मैं यही कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें लोग फंस
फंसे हैं और फंस रहे हैं और ना जाने कब तक फंसते रहेंगे, जिसमें कि ये फंस गए, इनका फोन हैक हो गया है और फोन आज के टाइम में जिसके पास जो एंड्रॉइड फोन बड़ा वाला मल्टीमीडिया रहता है ना, वो जिसके पास है वो समझ लो कि कभी भी उसका फोन हैक हो सकता है। इनके साथ हो गया तो इनको आज पता चल गया कि हाँ ये किस प्रॉब्लम से जूझे, और क्या कहा इन्होंने कि अपने आप को खत्म करने के कह रहे थे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, रेगुलर वीडियो देखते रहना, आपके मन से कभी ख्याल नहीं आएगा कि हमको ऐसा कुछ कर लेना। और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप अपने आप को खत्म कर लोगे, आपने कुछ थोड़ी ना गलत किया है। तो मैं यही कहूंगा आपकी कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं आपके, मतलब जो भी हैं आपके दोस्त रिलेटिव जितने भी हैं, कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दो, और कोई तरीका नहीं है, कॉन्टेक्ट लिस्ट को समझना पड़ेगा, मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, इन्होंने तो लोन ऐप के चक्कर में फंसे फोन हैक हो गया, होता है कि आप कभी ऐसा हो कि आपके फोन में कोई ऐसी ऐप वो इंस्टॉल करें आपका ही फोन हैक हो जाए। ऐसा नहीं है कि लोन ऐप ही करते, और भी ऐसी ऐप्स हैं, गेमिंग वाली ऐप्स हैं, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो फोन को हैक कर लेती हैं, तब आप कहाँ जाएंगे। तो ये चीज को समझ के चलो, आज इनके साथ हुआ है कल को आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे नॉलेज है तो मेरा फोन हैक ना हो, मैं भी फोन यूज करता हूँ, क्या पता मैं कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँ मेरा फोन हैक हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखें कि इनका सपोर्ट करें, इनका साथ दें, और आपसे मैं ही गुजारिश करूंगा जितने भी इनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है कि इनका सपोर्ट करें। और अभिनव जी टेंशन कोई बात नहीं है, सर्वे के सामने कंप्लेंट कर दी है, जो कॉपी मिली है वो कॉपी अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट वाले जितने भी इनको भेज दो, जिसको एक किसी के ज्यादा पीछे मत पड़ना, ना गिगड़ाना, ना हाथ जोड़ना, और सामने वाले को लगेगा कि यार सच में ये गलत है, तभी इतने मेरे कैच कर रहा है, मेरी वो कर रहा है। और रही आप जहाँ नौकरी करते हैं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन में कुछ डॉक्टर्स हैं, तो आप ये वीडियो का लिंक उनको भेज सकते हो कि भैया देख लो कि यहाँ पे ये स्कैम है, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, आप फंसे हो, आपके जो डॉक्टर हैं, जो मतलब आपके डॉक्टर्स हैं जहाँ आप जाते हो, जो आपका काम है, ठीक है ना, तो उनका फोन भी हैक हो सकता है, और काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें फंसे हैं, मैं उनके बारे में भी बता सकता हूँ, और मैंने वीडियो भी डाली हुई है, लेकिन थोड़ा टाइम होगा आपको ढूंढना पड़ेगा, मेरे चैनल पर ढूंढना, दो तीन डॉक्टर्स की मैंने डाली है जो कि MBBS हैं, जो वो फंस गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसा स्कैम है जो कोई फंस सकता है, ठीक है। तो अभिनव जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, ताकि वीडियो को यहाँ पे एंड करें। सर अभी तो मेरे ऐसा है कि मतलब मेरे जो मतलब काफी सीनियर्स लोग हैं मेरे कंपनी में, वो लोग तो मतलब मुझसे बात भी नहीं करते, मतलब जैसे नहीं मतलब देखते हैं तो इग्नोर टाइप करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे मैसेज जा चुके हैं उनको, कि वो बोलना मुझे बुला के बोलते भी नहीं है कि अभी ना तुम्हारे यहाँ से ऐसा मैसेज आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, मतलब इतने मतलब मुझे एक दोस्त ने मेरे भेजा था, फॉरवर्ड किया था मैसेज, मैंने मैसेज पढ़ा था सर, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे से रहा ही नहीं क्या मैसेज पढ़ के, ऐसे गंदे गंदे वर्ड उसमें लिख रखे थे उसने। यहाँ पे मैं देखिए अभिनव जी दिक्कत कुछ नहीं है, अब देखो किसी को हम छाती फाड़ कर तो नहीं दिखा सकते, हनुमान जी तो है नहीं कि फाड़ कर दिखा दें आराम बैठे हमारे अंदर, ऐसा तो है नहीं। आपके जो भी सीनियर है उनको समझना पड़ेगा, कल को ये दिक्कत उनके साथ हो गई तो वो भी तो फोन यूज करते हैं, उनका फोन हैक हो गया तो क्या होगा, और ये चीजें उनके साथ हो तो उनका आप कॉन्टेक्ट उसको चुरा के व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट में जितने व्हाट्सएप पे सबका DP निकाल के कुछ गलत सलत करें, कुछ भी करें तो क्या होगा। तो आप भी कल को जो है गलत जो है मतलब उनको इग्नोर करना, तो यार उनको समझना पड़ेगा। आप भी वीडियो का लिंक भेजें, भैया इनके साथ जो हुआ है वो गलत हो रहा है और ये स्कैम है, और ये स्कैम है 20,000 करोड़ का, ठीक है ना, और जो कि इंडिया के बाहर से चल रहा है, ठीक है, तो इसमें ये फंस गए, इसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो इस चीज को समझें, ठीक है। तो अगर आप कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, ताकि हम जल्दी से वीडियो को समाप्त करें, लंबा होता जा रहा है। ठीक है सर, कहना है मुझे सर यही बताना था, मतलब इसी चीज को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूँ सर अभी। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखिए परेशानी तो है, तो मैं मानता हूँ इसमें तो यह नहीं कि तुरंत परेशानी दूर हो जाएगी, दवा दी और दर्द खत्म तुरंत, नहीं। अभी वो वाला सिम कार्ड भी मैंने बंद कर दिया है, जो सिम कार्ड से यूज कर रहा था, अभी मैं नया सिम कार्ड ले लिया हूँ, क्योंकि साइबर क्राइम वालों ने बोला कि उसको 6-7 महीने आप बंद कर दो उस नंबर को। नहीं वो ठीक है, सिम कार्ड बंद करना जरूरी इसलिए क्योंकि आपके पास कॉल आएगी, आप जॉब पे निकल रहे हो, उधर उनके मैसेज आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर, आपका दिमाग बट रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब मेन आपकी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना, कॉल तो नहीं आ रही ना आपके पास, अब मेन दिक्कत है कॉन्टेक्ट को समझाना, भाई मैंने आपके सपोर्ट के लिए ये वीडियो बना दिया, कभी भी आप इस वीडियो को किसी को भी दिखा सकते हो, हमेशा हमेशा आपके यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, ये समझ रहे हैं आप, कभी भी कोई बाय चांस
2 महीने 3 महीने बाद कभी भी कोई कॉल आती है तो जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टेक्ट में सबको ये वीडियो आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से कैश एडवांस और कैश बस ने किस तरह से इनको परेशान किया, नौकरी जाने की नौबत आ गई, अपने आप को खत्म करने की सोचने लगे, रिश्ता टूटने पे आ गए, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम मतलब होने से बच गई, मतलब हुआ तो नहीं लेकिन बच गई, ये इस कगार पे आ गए थे कि हो सकती थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि ऐसे कंडीशन पे मतलब जो लोन विक्टिम है उसका सपोर्ट करे, जो लोन से पीड़ित है उसका साथ दे। ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया वैसा, भैया कोई क्यों अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट किसी को देगा, खुद सोचो आप। तो यही है कि सपोर्ट करें और कुछ ना करें, और आप भी किसी ऐसी लोन ऐसे परेशान है तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट जरूर कराएं, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है आप ये प्रूफ कर सको कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। एक यही मतलब साइबर क्राइम की रिपोर्ट है जो फ्री में आप कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन, कोई ज्यादा पैसा नहीं जा रहा, आप कर सकते हो ऑनलाइन कर लो, ताकि सामने वाले को थोड़ा बहुत तो यकीन दिला सकते हो कि हाँ भैया आप सही हो और जो ये स्कैम हुआ इसमें आप फंस गए हो। ठीक है, तो साइबर क्राइम में कंप्लेन जरूर कराएं। तो दोस्तों अब मैं बस चलूंगा, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो पुंगी को सब्सक्राइब कर देना। हर रात 10 से 11 के बीच में लाइव आता हूँ, आप अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो, तो लाइव पे आप जरूर जुड़े। और अभिनव जी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं समझ रहा है, तो आप मेरे से उनकी बात करा दे ताकि मैं उनको समझा सकूं, कोई भी हो, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम अभी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वीडियो आपको मिल जाएगा कल तक का, इसका लिंक आप अपने जितने भी जानने वाले हैं, जो भी लगता है कि आपको जो नहीं समझ रहा है उसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं चलूंगा, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।